अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो फाइनली जिसका डर था आखिरकार वही हुआ है। मोबाइल पे वालों की तरफ से बहुत बुरा अपडेट आ गया है। अब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो लोग भी फायदा उठा रहे थे उन सब के लिए बुरी खबर है। जिस तरह से और एप्लीकेशन ने आपके साथ गेम खेला था, पहले कुछ और ऑफर देता है, बाद में कुछ और ऑफर देता है, बाद में आपको घेर लेता है, इसी तरीके से मोबाइल पे वालों ने आपके साथ गेम खेला है। जिस तरह से आप पहले ट्रांसफर करते थे, अब उस तरीके से आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। फ्री में तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग से चार्ज लगा दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा एसटीसी पे से अगर आप ट्रांसफर करते पहले फ्री था, उसके बाद इसने अपना चार्ज बढ़ा दिया। डायरेक्ट आपको 17 रियाल कुछ पैसा भरना पड़ता है। और इसी तरीके से यूआरपीए वालों ने आपके साथ गेम खेला। शुरू में फ्री ट्रांसफर, उसके बाद आपको कैश बैक भी वापस मिल रहा था 5%। बाद में उसने भी सब इकट्ठा करके, यानी कस्टमर को इकट्ठा करके अपना गेम चेंज कर दिया, अपना सिस्टम चेंज कर दिया और डायरेक्ट आपको अभी 15 रियाल ट्रांसफर करने का चार्ज देना पड़ता है। या आप थोड़ा ट्रांसफर करिए, ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे आपको चार्ज भरना पड़ेगा। ये फ्रेंडी पे भी इससे पहले फ्री ट्रांसफर था, लेकिन फ्रेंडी पे वालों ने भी अपना सिस्टम बदल दिया। उसके बाद उसने भी 11-12 रियाल ट्रांसफर चार्ज ले रहा है, यानी 13 रियाल या 12 रियाल फ्रेंडी पे वालों ले रहा है। उसके बाद जो अभी नया अपडेट आया है मोबाइल पे का, जो नया अपडेट आया है, सारा सिस्टम बदल चुका है। एक लॉलीपॉप दिखाकर अपना चार्ज बढ़ा दिया है। जैसा कि आपको पता होगा मोबाइल पे वालों ने भी बहुत सारा ऑफर दिया था, फ्री में ट्रांसफर करें, उसके बाद कैशबैक हासिल करें, और काफी लोगों ने इससे अच्छा फायदा उठाया। फ्री में पैसे ट्रांसफर करके और अच्छा खासा कैशबैक हासिल किया। उसके बाद ऑफर के टाइम में बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट भी मिला बहुत सारे लोगों को, 500 रियाल 200 रियाल कैशबैक भी मिला। उसके बाद जो नया अपडेट आया है, अब मोबाइल पे वालों ने चार्ज बढ़ा दिया क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर हो चुके हैं। तो ये सोचा है कि अब फ्री का चक्कर हटाकर डायरेक्ट इनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाए। तो आपको ट्रांसफर करने के टाइम 7 रियाल चार्ज भरना पड़ेगा, जो ट्रांसफर फीस होता है मोबाइल पे वालों की तरफ से। उसके बाद अलग से आपको 1.25 रियाल या 1.5 रियाल आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आपके साथ गेम खेला जा रहा है। मैं सोचा कि हमेशा ये फ्री रहेगा, लेकिन फ्री नहीं है। और लॉलीपॉप के तौर पे आपको 5% का कैशबैक दे रहा है अगर आप मोबाइल पे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, यानी उस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल पे से अगर मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आपको 5% कैशबैक मिल रहा है अभी। बाकी बाद बिल्कुल जो भी ऑफर था फ्री ट्रांसफर करने का वो सब बंद कर दिया गया है। हर एप्लीकेशन अभी बंद कर दिया है, आप फ्री में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया ऑप्शन है, यानी नया एप्लीकेशन आएगा, उसी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑप्शन बंद कर दिया गया है। आपको चार्ज भरना पड़ेगा। मोबाइल पे वाला 7 रियाल ले रहा है, और अभी ये 7 रियाल ले रहा है, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 14 रियाल 15 रियाल कर दिया जाएगा। जिस तरह से यूआरपी वालों ने 8 रियाल चार्ज रखा था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके बढ़ाकर 15 रियाल कर दिया है। और एसटीसी पे का तो 17 रियाल 25 हलाला है। तो आप इसे समझ सकते हैं ये लोग हमारे साथ कितना गेम खेलता है। तो आप जब भी किसी एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर करेंगे और मोबाइल पे से भी करेंगे तो फ्री में ट्रांसफर नहीं होगा।